देखिए, मैं डॉक्टर बीएल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे एमए फाइनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शक्ति संतुलन अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। पिछली क्लास में जो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत शक्ति संतुलन का अर्थ, इन शक्ति संतुलन राज्यों की वह शक्ति जो दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी है, कोई भी एक पक्ष या एक अन्य राज्यों पर हावी ना, और इतना शक्तिशाली भी नहीं हो कि दूसरे पर हमला करने और उसे दबाने हराने में समर्थ हो। इसकी अर्थ अर्नेस्ट हॉस के अनुसार इसके 8 अर्थ भी हमने बताए थे आपको, और इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जा सके, इसके बारे में एक बार क्षतिपूर्ति, अगर किसी राज्य पर कोई राज्य आक्रमण कर दे या किसी एक देश पर कोई दूसरा देश, उसको कितना नुकसान हुआ, अगर उसकी क्षतिपूर्ति वो कर दे, वो जिस राज्य ने आक्रमण किया, और दोनों के बीच में अगर अच्छा सामंजस्य तालमेल हो जाए तो वो भी शक्ति में एक संतुलन रहेगा। हस्तक्षेप किसी भी दूसरे कमजोर राज्य की राजनीति में, जो निर्बल या छोटे राज्य, अगर किसी विकसित राष्ट्र द्वारा बड़े महाशक्ति द्वारा अगर उसके उस राज्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, या उसको अपने राज्य में सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही है, तो किसी अन्य शक्तिशाली राज्य का सहारा लेकर अगर वो कोई अन्य विकसित शक्तिशाली अगर राष्ट्र उस कमजोर राष्ट्र का सहयोग करता है, दोनों में फिर संतुलन बनने की कोशिश होती है, तो यह भी यानी हस्तक्षेप करने से भी एक संतुलन की। दो बड़े राज्यों के बीच में अगर एक दुर्बल राज्य दोनों द्वारा अगर उसको दबाया जाता है दोनों, उसी से एक संतुलन है कि भय रहता है उन राज्यों में जो शक्तिशाली राज्य में उदल राज्य, अगर मैंने इस पर आक्रमण किया तो ये इसका सहयोग करेंगे। शस्त्रीकरण की जो बढ़ती प्रवृत्ति है, जो कंपटीशन चल रहा है आधुनिक दौर में कि अणु परमाणु और अन्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाए और एक दूसरे का सहयोग किया जाए। देखिए, शस्त्रीकरण शुरुआत हुई 6 अगस्त 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध के समय से, और दोनों राज्यों में कंपटीशन, इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में इसका प्रयोग किया गया तो सोवियत संघ ने इसका विरोध किया है, मित्र राष्ट्रों को मालूम तक नहीं है, और अमेरिका ने एक तरह से अणु बम का प्रयोग भी कर दिया, और उसके बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कंपटीशन शुरू हो गया है परमाणु अस्त्र शस्त्र परीक्षणों पर। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि बनी 25 जुलाई 1973 को, परमाणु प्रसार संधि 1968 में, और निशस्त्रीकरण पर अनेक विचार व संयुक्त कूटनीतिक शिखर सम्मेलनों के द्वारा इन पर हमेशा चर्चा की जाती है, परंतु आज भी ये कंपटीशन का दौर चल रहा है, और हर राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने में ज़्यादा विश्वास करता है, तो ये भी एक शस्त्रीकरण भी। उसके बाद में था विभाजन तथा शस्त्र। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर किसी एक महासंघ शक्ति द्वारा दूसरी महात्म शक्ति का विभाजन करने की, जैसे उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विभाजन हो गया था द्वितीय युद्ध के बाद, आज जर्मनी का एकीकरण हो गया, कोरिया भी विभाजित है, तो किसी भी राज्य की राजनीति में अगर विभाजन करने की कोशिश की जाएगी, उस पर शासन करने की कोशिश की जाएगी, ये भी शक्ति संतुलन, तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए वो राज्य किसी दूसरे राज्य से सहयोग की अपेक्षा करें। शक्ति संतुलन में एक तरह से विभाजन और शासन में मैत्री संधि, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय चाहे नाटो संधि हो, चाहे सीटो संधि हो, चाहे वारसा पैक्ट का निर्माण, इन राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे राष्ट्रों का, नाटो अमेरिका द्वारा की गई एक सैनिक संधि जिसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिका और उसके समर्पित राष्ट्रों अगर कोई राज्य आक्रमण करता है तो उसका एक साथ मुकाबला करें, तो नाटो सीटो सेंटो जैसी जो संधि हैं, जो मैत्री संधि है, उनका भी यानी मैत्री संधि हमेशा शक्ति संतुलन स्थापित के लिए, कमजोर राज्य अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो किसी दूसरी महानतम शक्ति या एक शक्तिशाली राष्ट्र से संबंध स्थापित करेगा, क्योंकि उसको अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना है, उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो यानी शक्ति संतुलन
यानी कोई भी दो पक्षों में एक समान संतुलन बना रहे, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को पीड़ित नहीं किया जाए, उस पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की जाए, तो ये शक्ति संतुलन स्थापित करने के एक महत्वपूर्ण उपाय थे। इससे लाभ क्या होंगे? अगर संतुलन बना रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र विकास के राष्ट्र हैं, उनमें एक तरह से एक संतुलन की स्थिति बनेगी, उनकी स्वाधीनता की सुरक्षा होगी, उनके विकास की अवसर प्राप्त होंगे। अगर उनकी स्वाधीनता की रक्षा नहीं होगी और किसी राष्ट्र द्वारा उन पर आक्रमण कर लिया गया, तो निश्चित रूप से इस शक्ति संतुलन अवधारणा का जो सबसे, अगर ये स्थापित नहीं होगा, सामंजस्य और संतुलन नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र विकासित राष्ट्रों का, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए। तो छोटे राष्ट्र अपनी सुरक्षा को बनाए रखते हैं, रखने के लिए, अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए शक्ति संतुलन में एक तरह से विश्वास। अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रश्न, शक्ति संतुलन से अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक शांति का संदेश जाता है। 1945 से लेकर 1989 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों महत्वपूर्ण शक्तियों में एक सामंजस्य की स्थिति रही, और दोनों महत्वपूर्ण शक्तियाँ कभी नहीं, इन शक्तियों ने एक दूसरे के आकर्षण नहीं किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पोषण है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन की राजनीति का एक विशेष महत्व। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व का ही महत्व, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका पालन करना, उसका अस्तित्व को बनाए रखना। अभी ताज़ा उदाहरण है कि अफगानिस्तान में तालीम शासन, इसके लिए भी सुरक्षा परिषद महासभा द्वारा कोशिश की जा रही है। सुरक्षा परिषद के हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसकी बहुत निंदा की है। बहुत से राष्ट्र तालिबान संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं। हम कह सकते हैं शक्ति संतुलन जो होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना भी, ये शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा योगदान है कि आज अंतर्राष्ट्रीय कानून, आज संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम का पालन किया जाए। अगर शक्ति संतुलन नहीं होता, एक तरफा किसी देश की दादागिरी होती, तो निश्चित रूप से शक्ति संतुलन बने। अब इसमें हम आलोचनाओं की चर्चा करते हैं। आलोचना इसकी है कि कोई भी राष्ट्र संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति में और बढ़ोतरी करना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु बमों का आविष्कार करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार खरीदना चाहता है। तो यानी अपनी शक्ति को बचाए रखने के लिए हर राष्ट्र की, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील, उस शक्ति में और संचयकरण, और जब शक्ति में बहुत अधिक संचय हो जाता है, कोई भी राष्ट्र आवश्यकता से ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, तो अंतर्राष्ट्रीय में एक युद्ध की संभावना बनती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व के लिए खतरा है। तो राज्यों को शक्ति संतुलन, शक्ति संचय करने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए, आप पे कभी भी किसी महत्तम शक्ति द्वारा आक्रमण हो सकता है। तो शक्ति संतुलन, शक्ति संचय के लिए जो प्रेरित करता है, ये इसकी एक दोष कहा जा सकता है। तो हर राष्ट्र में कंपटीशन हो गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार खरीदे, अस्त्र शस्त्रों का निर्यात करे, आयात करे, और अपनी शक्ति को बरकरार रखे। शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त है, बिल्कुल। देखिए, हर राज्य को ये भय रहता है किसी महाशक्ति के द्वारा उस पर कभी आक्रमण नहीं करें। अफ्रीका कुछ राज्य हैं जैसे नामीबिया, रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का प्रयोग, और छोटे राष्ट्र अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व में अमेरिका की तरफ आ गए। तो जब भी किसी महात्तम शक्ति का किसी छोटे राष्ट्र पर आक्रमण करने की योजना, तो वो हमेशा भय के जब, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता प्राप्त की, अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, और हमेशा इस बात की चिंता है कि उनका अस्तित्व बना रहे, उनकी सुरक्षा प्रदान हो। उन ये शक्ति संतुलन में हम, हर छोटा राज्य हमेशा भयग्रस्त रहते हैं। शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं। आलोचक कह रहे हैं कि शक्ति, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की शक्ति है, तो हम उसका एक आदर्श वितरण नहीं कह सकते, उसका एक अच्छा उदाहरण नहीं है कि संतुलन शक्ति का जो आदर्श, कि भाई महात्तम शक्तियों में संतुलन बने रहे, पूर्व राज्य अपने
इसके अलावा एक नैतिकता का दबाव होना चाहिए कि राष्ट्रों में इस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए कि वो दूसरे किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। तो शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं है, शक्ति संतुलन युद्धों का कारण है। बिल्कुल सही बात है। आज हर राष्ट्र अपना स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, हर गरीब राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, वो किसी बड़े राष्ट्र की ओर देखता रहता है कि कभी अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण हो जाए पड़ोसी, तो निश्चित रूप से उसको सहयोग की अपेक्षा। अब पाकिस्तान हमेशा चाइना की तरफ देखता रहता है कि अगर भारत ने कभी आक्रमण किया तो हम उसका सहयोग, और भारत और चाइना के अच्छे संबंध हैं। इसी प्रकार हर छोटा राष्ट्र उस बड़ी महत्तम शक्ति और ये युद्ध का कभी भी कारण बन सकता है। देखिए, हमने शीत युद्ध के अंतर्गत आप लोगों से चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय में अगर कोरिया क्यूबा संकट नहीं चलता तो निश्चित रूप से तीसरा विश्व युद्ध होता, और भी बहुत सी घटनाएं ऐसी आई जिनमें कभी भी दोनों महानतम शक्तियों का टकराव होते हैं। तो 1989 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस आ जाता, तो आज भी रूस चाइना अमेरिका के दुश्मन हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन संरचना असंतुलन है। शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिक रूप है, ये एक शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिक रूप है। शक्ति संतुलन में हमेशा शक्ति का संचालन करने के लिए ये प्रेरित किया जाता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोतरी हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिक है।